जय श्री राधे कृष्णा, बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। तो आज ये कथा में आप भागवत में सुनेंगे, जो कन्हैया हैं गोपियों का चीरहरण करते हैं, चुराते हैं, जैसे जो नदी में गंगा जी में नहाने जाती हैं गोपियां, उसी टाइम वही कहानी चल रही है। तो आप लोग देखिएगा और सुनिएगा, बहुत ही प्यारी कहानी चल रही है, कथा चल रही है और गोवर्धन पूजा होगी, तो आप लोग इंजॉय कीजिएगा और भागवत को पूरा सुनिएगा। तो रियल आवाज सुनिएगा। आगे बीच में योगी है कि भोगी है, जो चंगे से ध्यान दीजिएगा, गंदे से गंदा स्पर्श करके कल बढ़िया डाल करके हाथ मिलाए है और एक दूसरे को पकड़ निगाह से देख रहा है, एक एक कृष्ण योगी की भोगी। तो कामदेव भगवान की परीक्षा लेने के लिए कृष्ण के अंदर जाना चाहता है। कामदेव आ गया, इधर देखो हमारे पास कामदेव खड़ा है। हाथ इतना देखने से भाव बिगड़ते, छूने से तो बिल्कुल बिगड़ते और बोलने से तो मामले, बोल अनमोल सुन काकी को ध्यान तो पूछ दी गयो, ऐसी उठिधाई, ऐसी उठिधाई, ऐसे उठिधाई, ब्रजराज की पानी सुनी और पौड़ी विदुरानी प्रेम रस में प्रकट गयो, पौड़ी विदुरानी प्रेम रस में प्रकट गयो। भगवान ने कहा मर्यादा पर उंगली उठेगी, उनके पीताम्बर मेरे मोहन के शरीर से और जाय के पीताम्बर काकी के पतन में उलझ गए। बिना कपड़ा भागी थी विदुरानी, बिना उसी समय पीताम्बर बेड़ा उड़ा और अंग प्रत्यंग में चमक गया। वो किसी को बेपर्दा करना ही नहीं चाहता है, लेकिन आंखों पर जो मेरे ये माया का पर्दा का मोतिया बिंद का पद चला है, इसे हटाना चाहता है। कथा सुनना, भगवान ने अब यहाँ पर आप हमारी बात सुन लो, गोपियों के हृदय की जिज्ञासा है कि हमें गोविंद पति के रूप में नंद गोप सुतम, ये भागवत के मंत्र है, नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते मना, कुरुते मना, ये उन कुमारी लड़कियों के दिल में एक बहुत बड़ी पवित्र भावना है कि हमें कन्हैया पति, इसलिए वो नहा रहे हैं। लोग इसी कथा को तमाम खूब जरूर कर देते हैं, जैसे रुक्मिणी की कथा को लोग तमाम अपने अपने भाव से गंदा गा देते हैं कि भगवान कन्हैया रुक्मिणी को भगा दे। हाँ, जबकि रुक्मिणी स्वयं महालक्ष्मी है और कृष्ण नारायण है, ये रुक्मिणी की कथा लक्ष्मी नारायण के पवित्र महामिलन का प्रसंग, लक्ष्मी नारायण मिलन हुआ। कथा पर विषय पर कल होगी रुक्मिणी कथा सुदामा चरित्र और बिना, पर यहां लोग भगवान कपड़ा लेकर के कदम के पेड़ पर चले गए। अभी गीता के उपदेश हम देंगे, अपनी कमजोरी में गीता सुनिए। गोपियां नहाती नहीं, सूर्य उदय होने वाला है, अरुणोदय के बाद सूर्योदय होता है, पहले अरुणोदय फिर सूर्योदय, गोपियां नहा रही क्योंकि वो तो इस समय ध्यान क्रिया में है, उन्हें तो मालूम नहीं कि कपड़ा का लफड़ा कहां है। चली सुंदर ब्रजवाला, कुंवारी लड़कियां तैयारी कर रही हैं भगवान कन्हैया जी को पति बनाने के लिए। प्रात समय उठ के सजनी, ये नहान गई सुंदर ब्रजवाला, चीर उतार के विषय में कम है अगर विवेकशील व्यक्ति बैठे हो, चीर उतार के कालिंद्री में
धार खसी अपने खीर उतार के धार खसी फिर कोई उतार साल गुसाया कपड़ा उतार दिए कैसे ना रही है केली करे किलोली करे मिली को सुता फिर काना चले उठ के तत्काना और कालिंद्री तत् निर्श्याम गए फिर चीर चुनावत भय जो हमारी अच्छे परिवार की बिटिया बैठी मनोयोग से तथा सोने में देख रहा हूं तुम्हें एक तरफ बेटा चीर खींचा जा रहा है और एक तरफ चीर बढ़ाया जा रहा है एक तरफ चीर खींचा जा रहा है एक तरफ चीर बढ़ाया जा रहा है भक्ति का चीर बढ़ रहा है एक कपड़े का लफड़ा है बड़े बड़े मंदिरों में बेटा कपड़ा के पर्दा पड़े और जब तक कपड़े का पर्दा हटता नहीं है तब तक हमें बिहारी का दर्शन होता ये केवल मैं ये कथा समझो केवल कपड़ा हटाया नहीं जा रहा है ये माया का आवरण जब हटेगा तो फिर हमें मोहन का दर्शन हो जाएगा ये छिछले इस तरह मारे लोग कह देते भगवान ने कपड़ा हटाया है मेरे आंखों में कपड़े का लफड़ा है पद का प्रतिष्ठा का जात का वर्ग का रूप का भगवान ने बाबा से पूछा ये घर में कढ़ाइयां क्यों चढ़ी हैं बाबा ने कहा बेटा यहाँ वर्ष में एक बार पूजा इंद्र की होती है कृष्ण भगवान कहने लगे क्या ये वही इंद्र तो नहीं है जो अहिल्या के यहाँ गया था बेटा ज्यादा बात मत कर देना बवाल पर हो जाएगा बवाल कृष्ण भगवान कहने लगे सिद्धांतों से समझौता नहीं करूंगा अगर ये वही इंद्र चरित्र ही है उसकी घर घर में पूजा होती है तो आज पूजा हो गएगी गोवर्धन की रामेश्वरनाथ बद्रीनाथ जगन्नाथ द्वारिकानाथ और बीच में बैठे हैं अनाथों के नाथ जिनका नाम श्री गोवर्धन